रिवर्न कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तो आज चित्रगुप्त पूजा मैंने छोटा सा ब्लॉग शेयर करने की कोशिश की है आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मैं उम्मीद यही करती हूँ तो मॉर्निंग का टाइम है मैं सुबह उठ के बिल्कुल भी फ्रेश मूड में मैंने फटाफट से घर की सफाई कर ली थी जो भी मुझे झाड़ू पोछा करना था वो मैंने कर लिया था और उसके बाद से मैं ब्रश करने आ गई थी तो आप देख सकते हैं मेरे बाउंड्री पे एक बंदर बैठा है पत्नी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैं उधर आप कोने में देख सकते हैं और उसका छोटा सा एक बेबी बैठा हुआ है तो हमारे गाँव में आजकल बंदरों का आतंक चल रहा है समझ लीजिए जहाँ देखो आप बंदर ही बंदर दिखाई देंगे तो बस मैं वही कोशिश करती कि चला जाए और यहाँ मैं हो गई थी रेडी नहा धवा के तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पोज़ मार लेती हूँ हाँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मेरी ड्रेस और आज की आउटफिट मेरी कैसी है तो बस मैंने डाला हुआ वो विद दुपट्टा तो उसके बाद से मैंने नहा दवा के कर ली थी पूजा की तैयारी क्योंकि क्या होता है जब आप घर पे अकेले होते हो ना तो आपको पहले ज़रूरी काम करना होता है और पूजा से ज़रूरी मुझे कुछ नहीं लगता क्योंकि भगवान सबसे पहले आते हैं तो मैंने सबसे पहले पूजा की तैयारी की थी उसके बाद हमने पूजा किया था उसके बाद से मैंने खाने वगैरह की तैयारी की थी तो पूजा की तैयारी में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होता है तो बस मैंने बनाया था आटे से स्वास्थिक और उसके ऊपर मैंने हल्दी थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था क्योंकि बस आटे से नहीं बनाते हैं और हल्दी शुभ होता है तो मैंने उसमें ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा उसको स्वास्थिक बना दिया था उसके ऊपर मैं रखूँगी कलसा मतलब लोटा उसमें पानी और उसमें आम का पल्लो और उसके बाद चावल उस पर दीप जलाना होता है तो बस मैंने जैसे जैसे मम्मी ने बताया था फटाफट से वैसे वैसे करना स्टार्ट कर दिया था तो जल्दी जल्दी हाथ चलाया मैंने तो बस आप देख सकते हैं स्वास्थ्य में बस रेडी हो चुका था उसके बाद से मैंने उसमें लगाया कलश उसके ऊपर मैंने रखा चावल उसके ऊपर दीप दीप में तेल डाल दूँगी और बत्ती लगा दूँगी उसके बाद से मैंने थाली रेडी कर दी थी उसमें मैंने सब कुछ रख दिया था धूप फूल गुड़ चीनी और सिंदूर ये सब मैंने रख दिया था तो आप देख सकते हैं ये सब मैं तैयारी करके रख दूँगी और ये थी चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा तो हमें सबसे पहले तो अपना जो भी पोथी पत्रा लेख जो होता है मतलब किताब कॉपी होता है उसको हमें भगवान जी के पास रखना होता है तो मैं बस वही अपना कॉपी बुक लेकर आ गई थी और मैंने सोचा बस मैं पूजा कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे से पहले भी किसी ने पूजा किया हुआ है तो वो थे पापा और भाई तो मैंने सोचा बस ये लोग फटाफट से पूजा कर ली उसके बाद से मैं करूँगी तो जब तक तो ये लोग पूजा कर रहे थे तो मैंने कुछ और काम कर था उसके बाद से जैसे ही लोग हटे तो मैं पूजा करने आ गई थी तो आप देख सकते हैं मैं एक वाइट कागज़ को उस उसमें मैं हल्दी से एक इंसान की सेप का बनाऊँगी जो होते हैं चित्रगुप्त भगवान जी उसको हम हल्दी वगैरह से सिंदूर वगैरह से और चावल अक्षत वगैरह से हम उनको टीका लगा देते हैं उसके बाद से हमें जो भी लिखना होता है भगवान जी के नाम लिखने होते हैं या तो आप पाँच लिखो या सात लिखो या ग्यारह लिखो ऐसे तो ग्यारह ही लिखने चाहिए क्योंकि ग्यारह सबसे शुभ होता है तो मैंने ग्यारह ही लिखा था उसके बाद से सभी लोग अब मेरे घर के पापा मम्मी भाई बहन सभी लोग ले आ के रख दिए थे अपना अपना बुक जो भी वो लो पढ़ते भी लोग पढ़ते हैं या जिससे भी उन लोगों का काम होता है तो हमें बेसिकली वही रखना होता है क्योंकि इसे कलम दुआत का पूजा ही कहा जाता है तो बस मैंने वही कोशिश की है थोड़ी सी मैं समझाने की आपको और आप, आप मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा भी अगर लगा हो कि मतलब मैं गलत बता रही तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा तो बस मैं पूजा करती और हमारे यहाँ पे लेडीज़ नहीं पूजा करती हैं मतलब मम्मी नहीं पूजा करती हैं तो मम्मी मम्मी बता देती कि मतलब शादी से पहले आप पूजा कर सकते शादी के बाद नहीं करना होता तो बस हम लोग इसीलिए पूजा करते हैं शादी से पहले तो बस उससे मैंने पूजा के लिए था और मैंने भगवान जी के नाम भी लिख लिए थे तो अब मेरा पूजा हो गया था मतलब समझ लीजिए अब बस मुझे उनको वो जो भी फूल वग़ैरह अक्षत वगैरह था वो मुझे बस चढ़ाना था तो मैं फटाफट से उसको चढ़ा दूंगी तो मैंने अच्छे से उनको टीका वगैरह लगा दिया था चढ़ा दिया था और बस मैंने हाथ जोड़कर भगवान जी से माफ़ी मांग दी भगवान जी कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके बाद से तो भूख बहुत जोरों की लगी थी पूजा हो गई थी ख़त्म तो मैं बस आ गई थी किचन में तो उसके बाद से मैंने एक तरफ कढ़ाई में रखा था गोभी भुनने के लिए और दूसरी तरफ मैंने डाला था मसाला भुनने के लिए एक तरफ मैंने चढ़ाया था खीर तीनों फटाफट फड़ से हो रहे थे तब तक मैंने आलू बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिया था जो ठंडा हो चुका था तो बस उसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए तो मैंने उसको तोड़ लिया है और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ चित्रकु पूजा के दिन हम अपना जो भी किताब वग़ैरह होता है जो भी मतलब तो हमारे ऑफिस के काम होते हैं या जो भी होते हैं जो भी हम रखते हैं वो वो हम तक हम रात भर मतलब चौबीस घंटे तक रखते हैं नेक्स्ट डे उठाना होता है और हम जिस दिन पूजा होता है उस दिन कोशिश करते हैं कि कलम दुआत का मतलब पेन कॉपी का इस्तेमाल ना ही करें क्योंकि उस दिन हम भगवान जी को समर्पित कर देते हैं क्योंकि उनसे ही हमें ये सब मिला हुआ है और उनको ही हमें समर्पित करना होता है तो बस मैं भगवान जी को वही सब चढ़ा दिया था हम लोगों ने और उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी तो मेरा गोभी हो गया तो मैंने सोचा फटाख से मैं इधर तरफ जिधर तक तर आँच तेज होता है मैं रख के मसाले फटाफट से बनते क्योंकि पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे थे तो ये मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाई थी कि भगवान जी का पूजा हमारे यहाँ कैसे होता है तो ये है चित्रगुप्त भगवान जी और ये देख सकते हैं उनके सामने दीपक जला हुआ है उधर फल वगैरह रखा इधर थाली में सब कुछ रखा हुआ है फूल वगैरह और इधर हम लोगों ने पूजा किया है जिस कागज़ पे वो उस पर आप देख सकते हैं सब कुछ चढ़ा हुआ है और ये पापा का है कुछ मेरा है कुछ मम्मी का है सबका रखा हुआ है यहाँ पे तो कल था गोवर्धन पूजा तो गोवर्धन पूजा के दिन मैंने उतना ख़ास कुछ नहीं बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ चित्रगुप्त पूजा के दिन ही ज़्यादा कुछ बनता है मतलब स्पेशल कहते हैं तो पूरी सब्जी वगैरह हमारे यहाँ आज के दिन ही बनता है तो बस मैं वही बना रही थी और मैंने कोशिश तो की है कि मैं काफ़ी अच्छे से आपको बता पाऊँ तो मैंने बस खीर में गड़ी आटा डाल दिया था और उसके बाद से मैंने इंडक्शन को कर दिया था बंद क्योंकि तो बस हो गया था मेरा तो थोड़ा सा और बचा था मैंने सोचा थोड़ा और डाल लेते काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा तो मैंने डाल दिया और आटा मैंने साइड में गूद के रखा हुआ पहले से ही तो बस मैंने फटाफट से कढ़ाई में तेल डाल जस्सी को तेल करना होता था तब तो मैंने पूड़िया फटाफट से बेल ली थी और भूख तो बहुत तेज लगा था तो हाथ भी डबल स्पीड में चल रहा था तो मैंने फटाफट फड़ से पूड़ियाँ तली और खाना सबको दे दी क्योंकि सभी लोग तो चिल्ला रहे थे खाना दो खाना दो क्योंकि तो टाइम भी साढ़े दस के ऊपर हो गया था पूजा करते करते तो बस आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे स्माइल जो भूख वाली थी मैं क्या ही बताऊँ इतनी तेज़ी भूख लगी थी तो बस मैंने बनाया भाई और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और ये हम मेरा प्रॉपर खाना रेडी गया था तब मेरी बारी थी तो बहुत तेज़ से भूख लगी थी गाइस तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में तो अब तक अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय